जानिए अकोला शहर की 10 बड़ी खबरें। अकोला मनपा के पूर्व जोन अंतर्गत आने वाले रणपीस नगर में हितेंद्र भट्ट ने मंजूरी नक्शे से अधिक निर्माण कार्य करने से अनधिकृत निर्माण कार्य पर निष्कासन की कार्रवाई की गई और जवाहर नगर में संजय पुरी द्वारा निर्माण की अवधि समाप्त होने के बाद भी मनपा की अनुमति के बिना पहली मंजिल और दूसरी मंजिल पर अनधिकृत निर्माण शुरू था, जिसे मनपा आयुक्त नीमा अरोरा जी के आदेश पर गिरा दिया गया। अकोला में एसटी कर्मचारियों की सेहत खतरे में, विश्राम गृहों में सुविधा के नाम पर हो रहा शोषण। राज्य के नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने वाले एसटी निगम के चालकों को ही सुरक्षित और स्वस्थ आराम नहीं मिल पा रहा। अकोला के नए बस स्टैंड पर चालक के विश्राम गृहों में किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं है, जिस कारण कर्मचारियों की हालत हो रही है खस्ता। दरियापुर तहसील में हुई जोरदार बारिश से सामदा काशीपुर स्थित जलाशय के मध्य में इमली के पेड़ पर फंसे हुए बंदरों के झुंड को जिला आपदा व्यवस्थापन की रेस्क्यू टीम ने खबर मिलते ही वहां पहुंचकर नाव की सहायता से इन बंदरों को बचा लिया। 3 दिन तक चले अथक प्रयास और रेस्क्यू ऑपरेशन के बल पर 34 बंदरों को बाढ़ के पानी से सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। पूर्णा से अकोला के बीच डेमू ट्रेन ने सोमवार से दौड़ना शुरू किया है। सोमवार को दोपहर 12 बजे से पहले अकोला पहुंची डेमू ट्रेन ने दोपहर बाद पूर्णा के लिए अकोला से प्रस्थान किया। ट्रेन के आज पहले दिन अकोला रेलवे स्टेशन से 50 यात्री ट्रेन में सवार हुए। यह रेल सेवा आरंभ होने के साथ करीब करीब 14 महीने बाद छोटे रेलवे स्टेशनों पर टिकटों की बिक्री हो पाई है। कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक अकोला जिले में कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के 4,94,460 डोज प्राप्त हुए हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा इन दोनों वैक्सीन का पूर्ण रूप से उपयोग किया गया, जिसके चलते कोविशील्ड 0% तथा कोवैक्सीन 1% बेकार हुई। अन्य जिलों के मुकाबले अकोला के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सतर्कता से कार्य किया है। शहर उप विभागीय पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस के अलावा आरसीपी के प्लाटून ने शहर के मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च किया। पुलिस ने इस पथ संचलन से स्पष्ट कर दिया कि उत्सव के दौरान असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए वे सजग हैं। पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर जी ने सभी थाना अधिकारियों को सतर्क रहकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश दिए हैं। अकोला जिले में हवा प्रदूषण बढ़ने का मामला केंद्रीय पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण मंडल के पत्र से उजागर हुआ है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हवा का स्तर सुधारने के लिए उपाय योजना करने के निर्देश नगर विकास विभाग ने जारी किए हैं। इसके लिए 15वें वित्त आयोग से नीति का प्रावधान भी किया गया है, जिस पर अमल करने के आदेश सरकार ने दिए हैं। अकोला में पधारे काशी के महंत शंकरानंद सरस्वती महाराज दत्तात्रेय मठ नारद, इनका भव्य स्वागत अकोला के प्राचीन विठ्ठल रुक्माई मंदिर में अकोला के विधायक आमदार गोवर्धन शर्मा जी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर रामनवमी सेवा समिति के सभी पदाधिकारी वहां उपस्थित थे। कोरोना संक्रमण के कारण अनेक बच्चों के माता पिता की मौत हुई। इन बालकों का बचपन कोरोना ने छीन लिया, इसी कारण इन बालकों को बाल सर्वधन योजना के तहत प्रति माह 1100 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना में 18 वर्ष तक के बालकों को योजना का लाभ दिया जाएगा। कुल 68 बच्चे बताए गए इस योजना के लाभार्थी। अकोला के तेलहारा में विद्रुप नदी में आए पूर्व में एक ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ बह गया। ये ट्रैक्टर वहां से रेती ले जाने आया था। ग्रामीण अंचल में हो रही भारी बारिश से सभी नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। आने वाले 4-5 दिनों में मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश के संकेत दिए गए हैं। दिव्य हिंदी आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। तो देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए दिव्य हिंदी न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।